समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव के बीच चल रही तल्खी के बीच वो शुक्रवार को जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात करीब सवा घंटे तक चली। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में आजम खान के समर्थकों द्वारा सपा से मुखर होने के बाद इस मुलाकात के पीछे कई मायने निकाले भी जा रहे हैं। करीब दो साल से सपा नेता आजम खान सीतापुर जिला कारागार में बंद हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी बंद थे। दोनों लोग जमानत पर रिहा हो चुके हैं। दो दिन पूर्व आजम खान के घर पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से रौलौत के जयंत चौधरी से मुलाकात की गई थी। आज प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव जेल में आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे। अंदर जाते समय शिवपाल यादव ने कोई बातचीत नहीं की। इससे पहले भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अब दोनों खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर उन्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो वे मुझे पार्टी से निकाल दें। मैं सपा के 111 विधायकों में से एक विधायक हूँ और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था कि वो किसी भी दिन आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं और आज शिवपाल यादव आजम खान से मिलने पहुँच गए। ये प्रधानमंत्री जी नेताजी की बहुत नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं, तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आज हम भाई की मदद नहीं हो पा रही। इतने छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे मुकदमे, अब केवल एक मुकदमा बचा है। एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, सब कुछ हो गई, बात आपकी हुई, सब हो गई है। देखिए, अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। बीजेपी में समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे या नया मोर्चा बनाएंगे? आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसा तो कोई सवाल है नहीं। अभी पहले जेल से बाहर आने दो शिवपाल जी, और फिर ये सब फैसले उचित समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे। इतनी जल्दी आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है। शिवपाल जी, आजम खान जी जो है 26 महीने से अधिक से समय से सीतापुर जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी को जिस तरह से संघर्ष करना चाहिए उस तरह से उनका संघर्ष नहीं दिख रहा है। आज आप दूसरी बार मिलने आए हुए हैं, अखिलेश जी खाली मात्र एक बार आए हुए हैं, क्या कहेंगे सर इसका सियासी माने कुछ देखा जाए? देखिए, वही तो मैंने अभी कहा, आपसे कहा है, आजम भाई के प्रति समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था। नेताजी की अगुवाई में लोकसभा में भी, जबकि आजम भाई लोकसभा के सदस्य भी थे, तो ये बात रखनी चाहिए था। तो ये तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का दुर्भाग्य है, सभी समाजवादियों का दुर्भाग्य है। इसी की पहचान थी समाजवादी की। सर कहने के सपा ने आंदोलन संघर्ष, यही तो समाजवादी की पहचान थी। आपके साथ जा रहे हैं आजम साहब या अखिलेश यादव के साथ? ये तो समय बताएगा, समय का इंतजार करिए, समय बताएगा, और जब उचित समय होगा तब सब बातें आपके सामने आ जाएंगी, सब बातें आपको बता दी जाएंगी। एक महान भी अंदर बंद है बजरंग मुनि, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया था मुस्लिम महिलाओं को, अब मुझे पता नहीं। शिवपाल जी, क्या बात हुई, क्या बात मिलकर आए आजम खान साहब से, क्या कहेंगे? देखिए, आजम साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर सदस्य हैं और आज विधानसभा में सबसे सीनियर, 10 बार के विधायक हैं, सबसे इतना कोई भी नहीं, और इसके साथ साथ लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, तो इस समय विधानसभा में आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है। और समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है, ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। रविदास मेहरोत्रा आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसी खबर आ गई है। अभी हमें बात हो जाने दें, बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं? तो देखिए,
अभी हमें दिख नहीं रहा है कि समाजवादी पार्टी मदद कर नहीं पा रही, करना चाहिए था। तो अब तो हम तो यहाँ के बाद जाने के बाद, वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था। और जबकि लोकसभा में कई सदस्य हैं, राज्यसभा में भी कई सदस्य हैं, तो इस बात को और नेताजी की अगुवाई में अगर धरने पर भी बैठ जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।